तो उधर कोटा उत्तर के वार्ड 50 के कमला उद्यान कॉलोनी में कोटा बूंदी मुख्य सड़क पर बारिश का पानी नाले में भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले में से होकर गुजर रही विद्युत केबल से सफाई करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों का कहना है कि पानी भरने की समस्या से बीते कई सालों से परेशान है। नगर निगम में कई बार शिकायत कर दी गई है। स्थानीय वार्ड पार्षद भी निलंबित होने के कारण और ध्यान नहीं देता। वहीं स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की समस्या को भी मुख्य समस्या बताया है। वहीं लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण 40 फीट की सड़क 20 फीट की होकर रह गई है। नाले में जो कमला उद्यान तो सफाई नहीं होती क्या? कहा सफाई होती नहीं ना नालों की। हम खुद आज मेरे को 15 साल में मैं कुछ सफाई करवाता हूँ यहाँ पर। सारी मिट्टी भर जाती है ऊपर की, सारी मैं सफाई करवाता हूँ यहाँ पर। आज क्या हुआ था? ये पानी भर गया था, मैं जो सफाई करवा रहा था पानी निकलने के लिए, तो लाइन फाड़ तो बड़ा बड़ा बोल रही है। हाँ लाइन तो नाले में तो निकल रही, ऊपर ही लाइन, ऊपर ही लाइन आ रही। कभी भी कोई हादसा हो सकता? वो गया था, बच गए बेचारे, वो खींचे पकड़ के हमने। आप यही थे क्या? हाँ मैं यही था। तो आपने फिर पकड़ के पकड़ा, खींचे उसको। कितने बजे की बात है? करिए 11:30-12 बजे का टाइम था। नाम बताया? सलीम नाम मेरा। कौन सी कॉलोनी, कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 50 है। ये कमला उद्यान का मुख्य मार्ग है और न्यू कमला उद्यान कॉलोनी में भी जाता है, लेडमार कॉलोनी में भी जाता है। हजारों बच्चे इस रोड से निकलते हैं। यहाँ कुछ ही दिन से पानी भरा हुआ था और मैंने उप महापौर जी को भी सूचना करी थी और वार्ड पार्षद जी को भी सूचना करी और जमादार जी को भी सूचना करी। तो वार्ड पार्षद जी का कहना यह था कि मैं तो निलंबित हूँ और आज पानी भरा हुआ था, जो यहाँ सफाई कर रहे थे तो उन्हों को आज करंट लगते लगते बच गया और ये मुख्य मार्ग है। तो नाले में से केबल निकल रही है? हाँ, के नालों में से केबलें निकल रही है। आप खुद देख सकते हो कि नालों में से केबलें निकल रही है। करंट आया था, बच गया, वो बाल बाल बचाया वो। हाँ प्रेम माखी जा यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो कर्मचारी काम कर रहे थे यहाँ पे, काम करते करते अचानक इस केबल के हाथ लगा है ना, और जट का लगा, करंट आ गया इसमें। करंट आते जो दो कर्मचारी मरते मरते बचे हुए, अभी यहाँ से भी ब्लास्ट हुआ और वहाँ से भी ब्लास्ट हो गया। अच्छा। बेचारे वो पानी से बाहर सीख गए। क्या कर रहे थे वो यहाँ पे? यो नाले की सफाई कर रहे थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुमित। मार्ग है कमला उद्यान का और श्री कमला उद्यान विस्तार न्यू कमला उद्यान लेड मार्ग, ये सारा है। और मेन मार्ग पे इस तरह से हो रहा है, पानी भरा रहता है और आज मरते मरते दो आदमी बच गए। कैलाश चंद बेरवा। सफाई नहीं होती क्या? सफाई नहीं होती, अभी महीनों से नहीं हो रही सफाई, कोई धनी धोरी नहीं है इसका। तो इस समय कोई हादसा भी हो सकता है किसी? हो सकता है सर। तो नाले में से केबल निकल रही है? नाले में से निकल रही, जगह जगह निकल रही है और जगह भी। तो सफाई करते समय आई करंट आया? हाँ सफाई करते। आपका नाम? कैलाश चंद बेरवा। मैं हंसा त्यागी बोल रही हूँ। मैं हमारी कमला उद्यान जो विकास समिति है उसकी मैं संयोजक भी हूँ मैं। और ये कमला उद्यान एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका, बच्चों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से, सबकी वजह से है। और सबसे ज़्यादा जो भी मतलब पेचीदा कार्य हो रहे हैं ना, वो इसमें ही हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो पूरा ये नाला खुदा हुआ है ये पूरा, और इसमें पूरी केबल निकल रही है। दो आदमी करेंट की चपेट में आ चुके हैं इसमें, जिसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। नहीं तो जरा सा अतिक्रमण पे जिस तरह से मतलब आजकल जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है। बहुत ख़राब हमारी कंडीशन है हमारे। प्लीज़ मैं प्रशासन की ओर में वापस भी अवगत कराऊंगी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखते हुए, कर्म सबको देखते हुए प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए आप।